प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि महराना आरंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप सब देख रहे हैं टैरो राशि फल विद सुनिधि। बात करने जा रहे हैं हम 23 अगस्त के राशि फल के बारे में। शुरू करते हैं अपने प्रोग्राम को लव टिप्स से। तो रिश्तों में अगर घर में आपस में कहीं ना कहीं खटास आ रही है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको भगवान सूर्य को सुबह उठ के अर्घ देना चाहिए। आपको एक ग्लास लेना है, उसमें पानी डालना है और उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लीजिए और सुबह सूर्य देव को अर्घ दीजिए और साथ में प्रार्थना कीजिए, प्रेयर कीजिए कि आप सबके रिश्तों में मिठास आ रही है और आप सब आपस में खुश हैं। अब शुरू करते हैं अपने टैरो राशि फल को। बात करते हैं मेष राशि से, यानी कि एरीज राशि वालों, आपके लिए 23 अगस्त का दिन कैसा रहने वाला है? बात करें तो आपके लिए दिन काफ़ी अच्छा दिख रहा है। एस ऑफ वांड, यानी कि बहुत देर से अगर कुछ करना चाह रहे थे, नई शुरुआत करना चाह रहे थे, अगर आपको लग रहा था कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होने वाला है, लोग आपके साथ जुड़ने वाले हैं, कोई काम संबंधित कोई नई चीज़ को आप शुरू करना चाह रहे थे या अपने पुराने काम में कुछ नयापन करना चाह रहे थे, बहुत अच्छा दिन है आज का दिन। वैसे भी आपके लिए दिन अच्छा रहेगा, कुछ नया करने के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। या पुरानी चीज़ों को वापस कंटिन्यू करना है, कॉन्ट्रैक्ट को आगे लेके जाना है या ऐसे कोई भी चीज़ है, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है आज का दिन। क्या आपको उपाय करना है? खासकर आज आपको हल्दी और केसर का तिलक यहाँ लगा के दिन की शुरुआत करनी है। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि, यानी टॉरस राशि वालों आपके लिए कैसा रहने वाला आज का दिन। हर्मिट आपके लिए आया है, तो कुछ ना कुछ आज बदलाव अपने दिन में लेके आएंगे। कुछ ना कुछ दिन की शुरुआत हो सकता है आप थोड़ी सी लो लेवल पे करें, बहुत अच्छा मूड ना रहे, बट दोपहर के बाद संध्या काल से आपका जो दिन है अच्छा होना शुरू हो जाएगा। कोई अच्छी खबर मिलेगी, अपने आप में कुछ अच्छा बदलाव लेके आ सकते हैं, कुछ घर में अपने आसपास कुछ अच्छा पॉजिटिव चेंज आ सकता है। नहीं तो आप जो काम करेंगे उसमें थोड़ी सी एक चेंजेस अगर आप लेके आते हैं तो बहुत बढ़िया है। जो भी आप काम में है, अगर थोड़ा सा बदलाव उसमें लेके आएंगे, घर में है थोड़ी सेटिंग चेंज कर लीजिए, तो छोटे मोटे किए गए बदलाव आपके लिए काफ़ी लाभदायी रहने वाले हैं। यही आपके लिए रेमेडी भी है आज के लिए। मिथुन राशि वालों, जेमिनाइज आपकी बात करें तो आपके लिए आज 7 of Pentacles है, तो आज के दिन प्लानिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। फ्यूचर की कुछ खरीदना चाह रहे थे, घर में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, गाड़ी लेना चाह रहे थे, तो आज के दिन कोई अच्छी प्लानिंग करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, बाहर ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो आज के दिन प्लानिंग के लिए बहुत भी अच्छा है। आपके जो भी आपके आगे फ्यूचर प्लान्स हैं, नई जॉब में, नए काम में, बच्चों को कहाँ भेजना है, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग आज करेंगे तो वो काफ़ी अच्छी रहेगी। और आज का दिन आपकी कुछ ना कुछ प्लान करते हुए बीतता हुआ भी दिख रहा है। आपको आज क्या करना है, किसी ज़रूरतमंद को आज थोड़ा सा धन का दान देंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। कैंसेरियन कर्क राशि वालों, आपकी बात करें तो 2 of Wands रिवर्स आपके लिए आया है। अभी आपको आज क्या कहेगा, डिलेज कह रहा है, बहुत से जो आज प्लान्स बनाएंगे पूरे नहीं होंगे, देरी आएगी चीज़ों में, सोचेंगे कि आज 5 बजे तक काम ख़त्म कर लूँगा और वो 7 बज जाएंगे, तो जैसे आप दिन को प्लान करेंगे वैसा नहीं जाएगा। थोड़ा सा दिन चेंजेस लेके आ रहा है, डिले लेके आ रहा है, तो कुछ ना कुछ देरी चीज़ों में आज होगी। अगर आज कुछ मिलना होगा तो 1-2 दिन आगे टल जाएगा, तो कुछ ना कुछ आज टेम्प्ररी डिलेज आपके साथ रहने वाले हैं। आपको क्या करना है, आज आपको माँ लक्ष्मी को सफ़ेद फूल अर्पित करने हैं। अब बात करते हैं सिंह राशि की। लियोज आपके लिए कार्ड आया है स्ट्रेंथ, जो कहता है कि आज के दिन हर चीज़ में मेहनत ज़्यादा लगेगी, बार बार करना पड़ेगा, खाना बनाएंगे तो वो भी लगेगा, थोड़ा सा चेंज करूँ या दोबारा से बनाना पड़ जाएगा, तो कुछ ना कुछ एफर्ट आपको आज बार बार लगाना पड़ेगा। संघर्ष जो है आज के दिन थोड़ा सा आपके लिए ज़्यादा रहेगा, तो किस्मत का साथ थोड़ा कम और संघर्ष थोड़ा ज़्यादा आज के दिन आपके लिए है। आपको आज क्या करना है, आज आपको संध्या काल में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। कन्या राशि वालों, आपके बारे में बात करें तो आपके लिए 7 of Wands कार्ड आया है, जो कहता है कि दिन आज थोड़ी प्लानिंग बदलाव हो सकती है। मे बी आप दिन में सोचें कुछ और करें कुछ और, कहीं जाने की प्लानिंग हो और एंड मोमेंट में वो चेंज हो जाए, एकदम से कहीं जाने का बुलावा आ जाए, तो कुछ ना कुछ चेंजेस एंड मोमेंट पे आपके साथ होते हुए दिख रहे हैं। दिन जो है मिला जुला जाता हुआ आज आपके लिए रहेगा। आपको आज क्या करना है, आज आप जो गाय को अगर हरा चारा खिलाएंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तुला राशि वालों, आपके बारे में बात करें तो आपके लिए कार्ड हाई प्रिस्टेस आया है। आज अच्छे डिसीजन लेने का दिन है, कोई बड़े डिसीजन अगर पेंडिंग थे, कोई काम करना चाह रहे थे, तो आज अच्छे निर्णय लेंगे। फैमिली में कोई बड़े डिसीजन आप ले सकते हैं और आपके लोग आपके साथ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। आज काफ़ी बैलेंस्ड आपका दिन जाता हुआ दिख रहा है। आज ईश्वर के साथ जुड़ने का दिन भी है, तो जिन भी गुरु को आप मानते हैं, जिस भी धर्म से हैं, आज अपने ईश्वर से ज़रूर जुड़िएगा,
उनकी ब्लेसिंग जरूर लीजिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगी और यही आपके लिए उपाय भी है। वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियंस आपकी बात करें तो 10 of cups आपके लिए कार्ड आया है। आज फैमिली के साथ कुछ मिलजुल के कोई बड़ा काम कर सकते हैं, फैमिली के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, फैमिली का सपोर्ट मिल सकता है। घर में चल रही कोई अनबन थी वो आज थोड़ी सी सॉल्व होती हुई दिख रही है। मेंटली वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए दिन आज अच्छा है। आज किसी फीमेल को, ज़रूरतमंद जो फीमेल हैं उनको आप अगर स्टेशनरी का बच्ची को दान देते हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा। धनु राशि वालों आपके बारे में बात करें तो धनु राशि वालों आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स, जो कहता है रिलेशनशिप को आज इम्प्रूव करने का दिन है। कहीं अगर रूठे हैं उनको मना लीजिए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज आ सकते हैं। अगर जॉब सर्च करना चाह रहे थे तो आज अपना रिज्यूमे बना के फॉरवर्ड कर दीजिए। तो आज का दिन कोई अच्छा काम करने के लिए है, कोई बड़ा काम करने के लिए है। कुछ बिजनेस में अगर कोई ग्रोथ, पैसा डालना चाहते थे तो आज का दिन बहुत अच्छा है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते थे, प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे तो धनुराशि वालों आज आपके लिए कोई बड़ा काम करने के लिए बहुत अच्छा है। कोई अच्छी खबर भी आपके साथ आज जुड़ सकती है। आपको क्या करना है, आज अपने घर के एंट्रेंस में एक घी का दिया एक अच्छी सोच के साथ लगाना है। मकर राशि वालों आपकी बात करें तो आपके लिए 4 of wands कार्ड आया है। तो आज सेलिब्रेशन का दिन है, किसी ना किसी चीज़ को सेलिब्रेट करेंगे। आज कुछ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। कोर्ट कचहरी के केस से बाहर मुक्त हो सकते हैं। कुछ ना कुछ जो अगर डिफिकल्ट टाइम से चल रहे थे तो उसमें कुछ आज एक अच्छी खबर सी आ सकती है आपके लिए। आज का दिन आपका अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, बट खाने पीने का थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ज़्यादा ओवर ईटिंग करने के कारण आज आपका पेट खराब भी हो सकता है। अपनी हेल्थ का आज आपको ध्यान देना है। आपको आज क्या करना है, आज आपको गुड़ को लाल कपड़े में बांध के दान करना है। कुंभ राशि वालों आपकी बात करें तो आपके लिए एस ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको क्या कहता है कि आज हो सकता है कोई बड़ी समस्या से बाहर निकलने का कोई सोल्यूशन मिल जाए, आज कुछ अच्छा राह आपको मिल जाए, कुछ मन उदास हो तो उसमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाए। तो आज का दिन सोल्यूशन मिलने का है। आज आप कोशिश कीजिए कि जिस भी सिचुएशन में आप फंसे हैं उसमें सोल्यूशन ढूंढने पर ध्यान दीजिए। हो सके तो अपनी थॉट को, अपने विचार को अच्छा करने के लिए सोचिए। आज का दिन अपनी मुसीबत से बाहर आता दिख रहा है, किस्मत आज आपका साथ देती हुई दिख रही है। आज हो सके तो सफ़ेद रंग को अपने साथ जोड़े, सफ़ेद रंग का रुमाल ले सकते हैं, वाइट कलर को अपने साथ जोड़ेंगे तो अच्छा रहेगा। मीन राशि आपके लिए पाइसिन्स कहें तो 4 of swords आपके लिए आया है। आज आप आराम करने का दिन है, बहुत ज़्यादा दिमाग में बोझ मत लीजिए। हो सकता है ओवरथिंक कर सकते हैं, ज़्यादा सोच सकते हैं, तो इसलिए कोशिश कीजिए अपने आप को व्यस्त रखें, बहुत ज़्यादा प्रेशर दिमाग में मत लें, क्योंकि आज नेगेटिव थॉट्स आपको ज़्यादा आएंगी और उसके कारण आपका मन उदास हो सकता है। तो आज थोड़ा मस्त रहने की कोशिश कीजिए, अपनों के साथ रहने की कोशिश कीजिए और जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही आज आपके लिए अच्छा रहेगा। आज अपने जो भी धार्मिक स्थल से आप में बिलीव करते हैं वहाँ ज़रूर जाइए, जिस भी धर्म से हैं अपने ईश्वर को आज ज़रूर उनको थैंक यू कहिए ताकि आपका जो थोड़ा सा दिन और बेटर हो जाए। यही आपके लिए एक रेमेडी भी है। अब मैं बात करती हूँ कि आज का जो हमारा शो है वो ख़त्म हो गया है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।